नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम जीवन भावना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सो टुडे वी डिस्कस आवर टॉपिक दैट इज प्रोसीजरल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। इट कम्स अंडर द कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो हम क्वालिटी जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए भी हम क्या है बेसिकली चार तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिनमें से कुछ लाइक क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मेजर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा। तो उस चीज को हम लोगों ने पहले देखा था कि वो क्या होती है। तो उस क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हम बेसिकली दो तरह के अप्रोच साथ में लेके चलते हैं। पहले हम लोगों के पास प्रोसीजरल अप्रोच टू क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड सेकंड हम लोगों के पास क्वांटिटेटिव अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो उन दो अप्रोचेज में से आज पहली अप्रोचेज हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोसीजरल अप्रोच ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलती है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि हम लोग क्या डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं उसके अंदर और रिव्यूज ऐड करते हैं। रिव्यूज करना, डिफेक्ट रिव्यू करना या उसमें और डिटेलिंग ऐड करना कि उस रिस्क के बारे में पता करना, ये सब चीजें हम करते हैं। ठीक है ना, तो रिस्क के बारे में रिव्यू परफॉर्म करते हैं। वेयर एज रिव्यू आर द स्ट्रक्चर ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेसेस। तो रिव्यू जबकि क्या होता है, एक स्ट्रक्चर और ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेस होता है क्योंकि इसको आप डिफाइन करते हो, है ना। तो टेस्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। और जो हम लोगों का तो और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस की, सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन की, ताकि हम डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोच है ये बेसिकली क्या करती है, ये पर्टिकुलर कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ गाइडलाइंस है और है ना प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उसको यूज करती है ताकि वो रिव्यू कर सके और टेस्टिंग कर सके और ताकि वो उन एक्टिविटीज का रिव्यू कर सके और टेस्टिंग कर सके, उन एक्टिविटीज की टेस्टिंग कर सके। ठीक है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस और प्रोसीजर बनाते हो ताकि आप टेस्टिंग और रिव्यू कर सको और वो बहुत अच्छे से कर सको। तो इसके अंदर जिसके अंदर जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो ये पहले से ही प्लान्ड होती है, मतलब दैट इज एस्टेब्लिश्ड विच एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड एंड व्हेन। तो हम लोग पहले से डिसाइड करके चलते हैं, प्लान करके चलते हैं कौन सी एक्टिविटी जो है कब परफॉर्म होगी। ठीक है ना, और फिर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और जब भी हम उस एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन उसी अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने अर्लियर उस प्रोसीजर को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो सारा जो भी गाइडलाइन जो प्रोसीजर हम लोगों ने पता कर रखा उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपनी उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसको उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसी अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, वही उन प्रीडिफाइंड मेजर और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्रोसीजर अप्रोच कहलाता है कि कुछ प्रोसीजर गाइडलाइंस उसी को फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं, जो प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम हम लोगों का चलता रहता है। सो वी कैन से दैट प्रोसीजर अप्रोच टू इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टेन प्रोसेसेस एट डिफाइंड पॉइंट्स टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स। तो इसका मतलब है हम उस कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिफाइंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ताकि डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, और ये जो अप्रोच है ये क्लेम नहीं करती है कि अगर इस चीज को आप लोगों ने अप्रोच को आपने यूज करी तो आपके पास 100% जो है डिफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, 100% डिफेक्ट रिमूव हो जाएंगे या फिर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो आप बनाओगे जो आपको मिलेगी यहाँ से है ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, कुछ गारंटी श्योरिटी नहीं देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि मेरली द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ डिफेक्ट रिमूवल प्रोसीजर डज नॉट प्रोवाइड द बेसिक ऑफ द बेसिक जजिंग देयर इफेक्टिवनेस और असेसिंग द क्वालिटी ऑफ द फाइनल गुड। तो यहाँ पे क्या है, जब आप ये प्रोसीजर जब आप यूज करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज नहीं कर सकते कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी या उस फाइनल जो कोड है आपके पास उसकी क्वालिटी को भी कुछ पर्टिकुलर एसेस नहीं कर सकते। तो कोई प्री डिफाइंड कोई श्योरिटी वाला मेजर आपको प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये जो अप्रोच है ये हाईली किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ उसी चीज पर डिपेंड करती है कि आप किस क्वालिटी का प्रोसीजर यूज कर रहे हो और किस तरह से उस चीज का एग्जीक्यूशन कर रहे हो। तो क्वालिटी तो मतलब प्रोसीजर यूज करते टाइम पे क्या आपकी क्वालिटी है, एग्जीक्यूट करते टाइम पे क्या आपकी क्वालिटी है जो आप यूज कर रहे हो, मतलब अगर आपको इसका मतलब ये है अगर आपने टेस्ट प्लानिंग है जो बहुत पहले से केयरफुली कर रखी है
ठीक है, और आपने उसका रिव्यू भी सिस्टमेटिकली कर रखा है, तो देन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बेटर देन कम्पेयर टू द टेस्टिंग वॉज नॉट डन केयरफुली एंड रिव्यू वॉज नॉट डन परफेक्टली। तो इस चीज को हम लोग उस सिनेरियो से बस कंपेयर कर सकते हैं। तो दो सिचुएशन हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब ये बस ये शॉर्ट ही दे सकता है कि दो जो प्रोसीजर में आप जो कंपेयर करोगे उनमें से एक जगह आपका डाटा जो है अच्छा होगा ही होगा। मतलब आप किस चीज में आप कंपेयर कर रहे हो, कि एक तो उस जगह कंपेयर करो जहाँ आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से की है, रिव्यू बहुत अच्छे से किया है, और आप उसी अकॉर्डिंग प्लान एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है ना। उसको कंपेयर करें मैं उस चीज से जहाँ आपने टेस्टिंग भी ढंग से नहीं की है ना, और रिव्यू भी आपने ढंग से परफेक्टली नहीं किया। तो जहाँ पे आपने केयरफुली टेस्टिंग और रिव्यू किया है उस जगह क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी मिलेगी, ये चीज आपको बस ये बता रहा है, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो हम प्रोसीजर प्री डिफाइंड प्रोसीजर रूल्स ही हम यूज करते हैं, इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो यूज नहीं करते ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का पता लगाया जा सके, ठीक है ना। सो द ओनली फैक्टर विजिबल टू द प्रोजेक्ट मैनेजर इज वेदर द क्वालिटी कंट्रोल टास्क आर एग्जीक्यूटेड। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में सिर्फ एक ही उसको फैक्टर है जो उसको विजिबल होता है, क्या विजिबल होता है, कि जो क्वालिटी कंट्रोल जो टास्क है वो ढंग से एग्जीक्यूट किए हैं कि नहीं किए। तो हम बस यही देख सकते हैं कि आपने प्लानिंग ढंग से की है तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो टास्क है वो ढंग से परफॉर्म एग्जीक्यूट किए हैं या नहीं किए, सिर्फ एक यही चीज आप देख सकते हो। क्वांटिटेटिव मेजर आप यूज नहीं कर सकते, इसका बेसिक ड्रॉबैक है, ठीक है ना। तो ये थी हम लोगों की अप्रोच, कौन सी, प्रोसीजर अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।